तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं आज विशेषण। विशेषण क्या हो गया? जो विशेषता बतलाता है। ठीक है भाई, विशेषता किसकी बतलाएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, जैसे हम लोग जब कारक देख रहे थे तो कारक देखने के समय हम लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया था कि अगर कारक पढ़ना है तो संज्ञा और सर्वनाम पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर विशेषण जानना है तो पहले संज्ञा और सर्वनाम पता होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम लोग संज्ञा और सर्वनाम देख चुके हैं। तो विशेषण कौन सा शब्द हो गया जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो? ठीक है, और संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जब बतला रहा है तो विशेषण जिस शब्द की बतला रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। अब विशेष से एक चीज क्लियर हो गया, विशेष्य हमेशा क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम होगा, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जो जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है उसको विशेष्य बोलते हैं, इसीलिए विशेष्य हमेशा क्या होगा? या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। ठीक है भाई, तो हम लोग कुछ विशेषण और कुछ विशेष्य देखते हैं। हमेशा हर विशेष्य का विशेषण नहीं बनता है, ये ध्यान देना। जैसे अभी हम लोग एक सेंटेंस में लिख रहे हैं काली कोयल, लिखा हुआ है मान लेते हैं काली कोयल, क्या लिखा हुआ है? काली कोयल लिखा हुआ है। काली क्या है भाई? विशेषता है ना, किसकी? कोयल की। यहाँ कोयल क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और काली क्या होगी? उसकी विशेषता हो गई है ना। मेरा घर है तो घर क्या है यहाँ पर? हाँ, और मेरा क्या हो गया यहाँ पर? यस, ठीक है। उसी तरह से एक लीटर, तो लीटर क्या हो गया यहाँ पर? विशेष। इसकी विशेषता क्या बतला रहा है? एक है। 5 लीटर नहीं, 10 लीटर नहीं, 1 लीटर। ठीक है, सुंदर बच्चा ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुंदर बच्चा लिखा हुआ है। तो बच्चा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। सुंदर क्या हो गया? उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। समझ बात गई? कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं क्या एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब क्या करता है? विशेषण को बताता है। हाँ भाई देखिए, तो जैसे इसका है विशेषण की विशेषता बतला रहा है। जैसे हिंदी में उस वैसे शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रविशेषण बोलते हैं। प्रविशेषण कौन सा शब्द हो गया? जो विशेषण की विशेषता बतला रहा है ना। जैसे सुंदर तो है विशेषण, लिखा गया बहुत सुंदर या अति सुंदर, वो चीज क्या हो गया? वो होगा प्रविशेषण। तो समझ में आ गया? तो विशेषण क्या हो गया? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, ऐसे शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है भाई, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है ना उसको विशेषण बोल रहे हैं, जिस शब्द की विशेषता बतला उसको विशेष्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लिए क्या, अगर काली कोयल लिख रहे हैं तो कोयल की विशेषता है काली, तो कोयल हो गया विशेष्य, काली हो गई उसकी विशेषता यानी विशेषण हो गया। उसी तरह से आगे हम लोग देखें कि प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण ऐसा शब्द है जो विशेषण की विशेषता बतला रहा है कि विशेषण जो है वो कम है या अधिक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या देख लिए, जैसे लिखा है सुंदर बच्चा, हम लोग ये लिख सकते हैं बहुत सुंदर बच्चा या अति सुंदर लड़की, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो सुंदर को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, ऐसा जब सुंदर को या किसी विशेषण को जब कोई ऐसा वर्ड जो उसको बढ़ा या घटा रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं विशेषण के भेद है ना। विशेषण के भेद पहले हम लोग देख लिए, विशेषण विशेषण क्या हो गया? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, ऐसे शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसको विशेष्य मतलब बोलते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बतला रहा है उसको हम लोग प्रविशेषण बोलते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाण। याद रखना इसको, परिणाम नहीं पढ़ना, परिमाण होता है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक है ना। सार्वनामिक लिखना भाई, सार्वनामिक है ना, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अभी हम लोग बारी बारी से इन चारों भेदों को भी देखेंगे। तो पहला है हमारा कौन? गुणवाचक विशेषण।
पहला कौन सा है? गुणवाचक। तो गुण समझते ही हो, किसी व्यक्ति में कौन सा गुण देखते हैं हम लोग, तो गुण हो अथवा दोष हो, जैसे आकार, आकृति, रंग, दशा इत्यादि का जिससे बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। ठीक है भाई, जैसे जरा बहुत लंबा है ना, वह लड़की बहुत मोटी है, लोमड़ी बहुत चालाक है, ये लंबा, मोटा, चालाक, काला, उजला, ये सारा क्या है? उसके गुण या दोष को बतला रहे हैं। इसीलिए ऐसे सारे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है इसमें? अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अगला क्या है हमारा? संख्यावाचक विशेषण। नाम से क्लियर है, संख्यावाचक है ना। जब भी किसी शब्द की विशेषता कोई संख्या बतला रहा हो तो विशेषण तो है ही, वो साथ ही साथ वो कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है, तो अब है कि जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, निश्चित संख्या का भी बोध हो सकता है, अनिश्चित संख्या का भी बोध हो सकता है। ठीक है, संख्या का बस बोध होना चाहिए, ध्यान देना है। अगर ऐसा डेफिनेशन लिखे हैं तो यहाँ ध्यान देना है, इस निश्चित संख्या का जरूरी नहीं है, संख्या का सिर्फ बोध होना चाहिए। अगर निश्चित संख्या का बोध है उसको हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो हम लोग आगे देख रहे हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए जरूरी है कि निश्चित संख्या का बोध होना चाहिए। अगर अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो फिर हम लोग उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे, जिसमें एक्चुअल काउंटिंग नहीं रहता है। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है, हम लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कविता जो है, कोई लड़की का नाम है, आठवीं कक्षा में पढ़ती है, तो यह आठवीं कक्षा, ये आठवीं क्या है? संख्यावाचक विशेषण है ना। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो ये 7 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और अच्छी बात क्या है ना कि ये दोनों ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है भाई, तो निश्चित संख्या का जब बोध होगा तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे लिखा है बाहर 4 कुर्सियां रख दो, तो ये 4 क्या है? निश्चित है। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि बाहर कुछ कुर्सियां रख दो, तो तुम्हारे लिए पता नहीं तुमको कि 2 रखना है कि 4 रखना है कि 10 रखना है कि 20 रखना है ना। लेकिन अगर एग्जैक्ट काउंटिंग दिया हुआ है कि तुम बाहर 40 कुर्सियां रख दो, तो तुमको एक्यूरेट काउंटिंग मिला 40। इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर काउंटिंग नहीं दे रखा है, लिखा है कुछ कुर्सियां रख दीजिए, है ना, जाओ वहां से थोड़े सामान ले आओ, तो थोड़े कुछ है ना, इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि कितना लाना है। समझ गए बात को? हमारी कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो अनिश्चित हो गया। लिखा है 35 छात्र हैं, निश्चित हो गया। ठीक है भाई, तो अनिश्चित और निश्चित में समझ में आ गई बात। कुछ दिनों बाद हमारी छुट्टियां हैं, अनिश्चित है। 5 दिनों बाद हमारी छुट्टियां हैं, ठीक है, या कुछ दिनों कर देना, है ना। तो अगर लिखा है कि 5 दिनों बाद हमारी छुट्टियां हैं, इसका मतलब निश्चित है। कुछ दिनों बाद हमारी छुट्टियां हैं, अनिश्चित है। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझ गए? सबसे पहले विशेषण समझना है, फिर संख्यावाचक विशेषण समझना है, फिर संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए भाई, थोड़ा अभी हम लोग देखे संख्यावाचक विशेषण, अभी हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। देखना, ये परिमाण है, क्या है? परिमाण। परिमाण मतलब क्वांटिटी, है ना। परिमाण मतलब क्वांटिटी। ठीक है भाई, ये परिणाम नहीं है, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, है ना। ये परिमाण है, परिमाण का मतलब क्वांटिटी, समझ गए ना। तो क्या लिखा है देखो इसमें, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा अच्छे से इसलिए भी समझना पड़ेगा क्योंकि अक्सर क्या होता है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में लोगों को होता है कंफ्यूजन, है ना। अभी तुम्हें भी समझ में आएगा कि कैसे होता है कंफ्यूजन, फिर उसको हम लोग करेंगे दूर। ठीक है भाई, तो पहले समझते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण में क्या था। जहां भी संख्या देखते थे हम लोग संख्यावाचक विशेषण सोचते थे लिख देंगे, लेकिन अब देखो क्या है कि विशेषण का वो शब्द जो संज्ञा शब्द की मात्रा अथवा परिमाण बता रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। ये बात तो सही है कि जिस शब्द से किसी भी संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की के परिमाण या मात्रा का पता चले उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण बोल देंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो जा रही है, लिखा है सेंटेंस में यह सारी 6 मीटर की है, यहाँ 6 आ गया ना, संख्या आ गया ना। अब सेंटेंस में लिखा रहेगा तुम तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण भी चिपका दोगे,
समझ गए भाई। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कंफ्यूजन होगा कि कहीं संख्यावाचक तो नहीं है। बाजार से 4 लीटर घी ले आओ, चार भी तो है। अब तुम देख लिए कि काउंटिंग है भाई, यहाँ संख्या लिखा हुआ है ना, नंबर्स लिखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ संख्यावाचक विशेषण चिपका दोगे। तो कंफ्यूजन आ रहा है ना अब, तो फिर पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर कंफ्यूजन को करेंगे दूर, है ना। जैसे हम लोग संख्यावाचक में देखे थे कि निश्चित संख्यावाचक होता था और अनिश्चित संख्यावाचक होता है, उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, देखिए भाई कहीं पे परिमाणवाची विशेषण भी लिखा मिलेगा, परिमाणवाची या परिमाणवाचक एक ही है ना। और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, निश्चित में एग्जैक्ट फिगर रहता है, जैसे 3 किलो आटा ले आओ, तुमको बोला जाए कुछ आटा ले आओ, है ना। 5 लीटर दूध ले आओ और कुछ दूध ले आओ, अगर 5 लीटर दूध लिखा हो इसका मतलब निश्चित परिमाण बताया गया है। अगर बताया जाए कि कुछ दूध लेते आओ, थोड़ा दही लेते आओ, तो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि कितना लाना है ना, उस जगह पर अनिश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। जैसे घर में बहुत सब्जी रखी है, लिखा जाएगा घर में 5 किलो सब्जी रखी है, तो एग्जैक्ट फिगर है वो। तो ऐसा निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण में अंतर समझ में आ गया पहले। अब हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग ये समझें कि संख्यावाचक विशेषण जो है इसको ध्यान देना है थोड़ा सा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्यावाचक जो है और परिमाणवाचक जो है इसमें अंतर क्या है ना। सारा गेम जो है विशेषण का ना यही आके फंसता है, ज्यादातर एग्जाम में जो है वो इसी दोनों में बच्चों का गियर फंसता है, समझ गए। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहां लिखा जाए दो सेब, है ना, और यहां लिखा हुआ है 2 किलो सेब, है ना। तो ध्यान देना है कि दो सेब जो है इसको हम लोग कभी वजन कर सकते हैं क्या, नाप तोल करके बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू उसमें नहीं लिखा हुआ, ये काउंटिंग का वैल्यू लिखा हुआ, लेकिन 2 किलो सेब जो है ये तौल करके लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात। दो सेब तौल करके लिखा जाता है कभी क्या, गिनती करके लिखा जाता है ना, 1 2 ऐसे गिनती करके लिखे, लेकिन 2 किलो सेब जो है ऐसे गिनती करके नहीं लिखा जाता है, इसको हम लोग वेट करके लिखते हैं। ध्यान देना, जब भी किसी चीज को हम लोग माप तौल करके वैल्यू लिखते हैं वो आता है परिमाणवाचक विशेषण में, हमेशा याद रखना है। क्या चीज को, जब भी किसी चीज को माप तौल करके लिखते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 4 एकड़ जमीन, है ना, तो जमीन को मेजर करके लिखा हुआ है ना, ये लिखा मान लो 4 एकड़ जमीन, क्या लिखा हुआ है, 4 एकड़ जमीन लिखा है मान लो, तो 4 एकड़ जमीन, ये 4 एकड़ क्या है, मापा हुआ है ना। लेकिन अगर लिखा हुआ है ऐसा 10 गाय, है ना, तो गिनती है ना ये, इस जगह पर जो है हम लोग क्या लिखेंगे, संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे, है ना। लेकिन जहां भी माप तोल का है, 6 मीटर है, यह सारी 6 मीटर की है, तो यहां हो गया परिमाणवाचक विशेषण, उसके पास लिखा हुआ 6 सारी है, ऐसा लिखा हुआ है मान लो, हाँ, तो उसके पास लिखा मान लो कि 6 सारी है ना, ऐसा लिखा हुआ है 6 सारी है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ कि यह सारी 6 मीटर की है, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण, उसके पास 2 सेब है, संख्यावाचक विशेषण, उसके पास 2 किलो सेब है, परिमाणवाचक विशेषण। दोनों अंतर समझ में आया, कोई दिक्कत है भाई समझने में, क्योंकि अक्सर जो कंफ्यूजन होता है विशेषण में वो परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में ही होता है, निश्चित अनिश्चित में किसी को तकलीफ नहीं होती है, ना ही परिमाण के केस में ना ही संख्या के केस में, समझ गए बात को। अब अगर परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में कंफ्यूजन आएगा तो खत्म हो जाएगा। ध्यान देना है क्या चीज, माप तौल देखना कि क्या इसको माप तौल कर वैल्यू लिखा हुआ है, अगर हाँ तो परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अगर काउंटिंग करके वैल्यू लिखा हुआ है तो संख्यावाचक विशेषण। समझने के लिए एग्जाम्पल दिया, क्या चीज, 2 सेब गिनती करके लिखा हुआ है, 2 किलो सेब माप करके लिखा हुआ है, 6 मीटर सारी, 6 मीटर मापा हुआ है, 6 सारी गिनती करके लिखा हुआ है। जब भी गिनती करके लिखा रहे संख्यावाचक, और जब भी मेजर करके लिखा रहे परिमाणवाचक, समझ बात आ गई। एग्जैक्ट परिमाण रहे तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, एग्जैक्ट परिमाण ना रहे अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। संख्या में उसी तरह से एग्जैक्ट संख्या, एग्जैक्ट काउंटिंग रहे
तो निश्चित संख्यावाचक एडजेक्ट काउंटिंग में रहेगा तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कोई दिक्कत है यहां तक में? बहुत अच्छे, चलिए भाई ध्यान दीजिए। अभी हम लोग संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अब हम लोग देखने वाले हैं फिर किसको, सार्वनामिक विशेषण। किसको देखेंगे? सार्वनामिक विशेषण देखेंगे, ठीक है। सार्वनामिक ध्यान देना है भाई, सार्वनामिक लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है ना, सार्वनामिक कर लेना है ना, सार्वनामिक विशेषण कर लेना है, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण किसको कहेंगे? जब किसी सर्वनाम का प्रयोग, ध्यान देना है, संज्ञा कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में सर्वनाम जो है वो विशेषण की तरह प्रयोग होता है ना, तो जब भी सर्वनाम जो है वो संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे वह घर मेरा है, ठीक है, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, तो विद्यालय की विशेषता क्या बतला रहा है? मेरा विद्यालय है ना, वह घर मेरा है तो मेरा घर है ना, या वह घर, यहां देखो दो चीज हो सकता है, वह मेरा ऐसा लिखा है, अगर वह घर मेरा है तो यहां पर वह हो गया सार्वनामिक विशेषण, लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि वह घर मेरा है यहां पर वह हो गया सार्वनामिक विशेषण, लेकिन अगर लिखा रहे वह मेरा घर है तो वहां पर हो जाएगा मेरा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग प्रयोग कैसा करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब विशेषण की अवस्थाएं, है ना। यह सार्वनामिक विशेषण में किसी को दिक्कत है क्या? पीछे विशेषण के भेद में कोई दिक्कत था क्या? तो देखिए भाई, अगर इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़े थे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना, इंग्लिश ग्रामर में पढ़े हैं क्या? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है भाई। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री देखते थे। पहला था क्या? पॉजिटिव डिग्री, है ना। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है भाई। तो इसी तरह से याद रखना है कि जो विशेषण की मूल अवस्था होती है उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री को मूल अवस्था बोलते हैं हिंदी में, और जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसको हम लोग उत्तर अवस्था बोलते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसको हम लोग उत्तम अवस्था बोलते हैं, याद रहेगा। तो ये क्या हो गया? जब दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्ति, स्थान आदि का तुलना करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, अगर लिखा हुआ है कि रमेश अच्छा लड़का है, ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है। तो यहां पर जो है अच्छा क्या है? अच्छा विशेषण है भाई, लड़का की विशेषता बतला रहा है, नहीं रमेश कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अगर कैसा का जवाब मिलेगा तो क्या होगा? वो विशेषण ही होगा। तो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। लेकिन ये अच्छा जो है ये विशेषण की मूल अवस्था है ना। अगर यहां हम लोग लिखें कि रमेश मोहन से बेहतर है, ऐसा लिखें, मोहन से बेहतर है, क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं रमेश मोहन से बेहतर है, ध्यान देना। अब यहाँ रमेश की तुलना हो रही है किससे? मोहन से। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? बेहतर। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि रमेश मोहन से अच्छा है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? हमको यहाँ पर इसका उत्तर अवस्था का प्रयोग करना, विशेषण की उत्तर अवस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ विशेषण की उत्तर अवस्था क्या है? बेहतर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा देखें कि नहीं रमेश जो है अपने क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रमेश बेहतरीन है ना, या क्लास में या वर्ग में ऐसा लिख रहे हैं, रमेश वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है, ऐसा लिखे, या रमेश वर्ग में बेहतरीन लड़का है, ऐसा लिखते है ना। तो ऐसा अगर लिख रहे हैं तो ये इसकी उत्तम अवस्था हो गई, है ना। अब सबसे बढ़िया होगा, अब इससे अच्छा क्या होगा, है ना, इसीलिए इसको उत्तम अवस्था बोलते हैं। समझ रहे बात को? कि अगर विशेषण की कोई उत्तम अवस्था है तो उससे अधिक अब कुछ हो नहीं सकती है, समझ रहे हो? उत्तम अवस्था ही सर्वोत्तम अवस्था, समझ गए ना। मतलब एक विशेषण को मोक्ष मिल गया, समझ गए? समझ बात आई नहीं आई है? क्या क्या विशेषण जो है
वो जब तुलना नहीं हो रहा है तो अपने मूल अवस्था में है, जब दो के साथ उसकी तुलना हो रही है तो उसकी उत्तर अवस्था है, और जब विशेषण जो है वो सबसे अच्छे अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें कि वो सर्वोत्तम अवस्था जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम अवस्था। समझ रहे हो, याद रखने के लिए बताया कि जब विशेषण अपने उत्तम अवस्था में पहुंच जाए तो समझ जाओ विशेषण को मोक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है क्या? चलिए भाई थोड़ा फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तो चलिए भाई फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसको भी। जो मूल अवस्था है वो क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। मूल अवस्था क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, और उत्तर अवस्था क्या हो गया, कंपैरेटिव कंपेरेटिव हो गया, और उत्तम अवस्था क्या हो गया, डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में याद रखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे गुड है तो गुड का पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, उसका कंपेरेटिव डिग्री बेटर होता है ना, और उसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। ठीक है, उसी तरह से कुछ एक वर्ड इंग्लिश में भी है जिसमें हम लोग इस तरह से उपयोग करते हैं जैसा हिंदी में यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड है हमारे पास ब्यूटीफुल, है ना, क्या है वर्ड, ब्यूटीफुल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तर अवस्था में मोर ब्यूटीफुल यूज करते हैं, है ना, और उत्तम अवस्था में इसके लिए हम लोग इंग्लिश में भी क्या करते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसा बहुत सारे वर्ड्स के साथ हम लोग करते हैं इंग्लिश में भी। हिंदी में मोस्टली ऐसा ही होता है ना, बहुत कम ही ऐसा शब्द है जिसके लिए उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के लिए अलग अलग शब्द हो। ठीक है भाई, तो मूल अवस्था में क्या हो गया, व्यक्ति की सामान्य स्थिति सामान्य विशेषता बतलाई जाती है, जैसे रचना प्रतिभाशाली है ना, सिंपल है। लेकिन अगर हम लोग किसी से रचना की तुलना कर रहे हैं या माया की आस्था से तुलना कर रहे हैं तो हम लोग ये लिखेंगे माया आस्था से ज्यादा परेशानी में है, माया आस्था से अधिक प्रसन्न है, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, या फिर जब हम लोग इसकी उत्तम अवस्था लिखते हैं तो हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं क्या, सबसे, या फिर सबसे कम, या फिर सबसे ज्यादा, या फिर सर्वाधिक, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं यह दिखाने के लिए कि विशेषण जो है अपने सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर चुका है ना। क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे तेजस्वी कक्षा में सबसे होशियार लड़का है ना, होशियार है ये भी विशेषता ही है, सबसे होशियार है, ये उत्तम अवस्था हो गई। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि तेजस्वी मोहन से अधिक होशियार है तो वो क्या हो जाता, उत्तर अवस्था हो जाती। लेकिन सबसे होशियार है अब मतलब अब इससे अधिक आगे बढ़ना संभव नहीं है, समझ गए। तो इस अवस्था में आकर क्या होता है, विशेषण को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, समझ गए बात को। तो भाई विशेषण में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिया पढ़ने वाले। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।